दोस्तों के साथ जुड़ो, मैं आपको सिखाने वाला बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर ले तो 100% भी आप इस तरह से फोटो एडिटिंग सीख जाओगे। बस आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में फोटो को ऐड कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ से आपको पिक्सआर्ट का कुछ इस तरह से टूल्स वगैरह मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले मतलब पहले टूल का यूज़ करना है टूल्स, ठीक है, जो कि मैं आपको रेड कलर का चिन्ह लगा के दिखा दे रहा हूँ। इस टूल पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ से आपको इतना सारा ऑप्शन दिखाई देगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो यहाँ से आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इससे होता ही है कि जो कलर को एडजस्ट करने में काफ़ी हेल्प होती है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह में कलर नहीं है, तो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से आपको एडजस्ट पर क्लिक करके ये जो सैचुरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इसको रख लेना है आपको 100। उसके बाद यहाँ से आपको शैडोज को थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, शैडो। अब यहाँ से देख लीजिए, फेस में रेड इफेक्ट आ जा रहा है, तो इसे रिमूव कैसे करें। तो उसके लिए यहाँ से आपको ये इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड ये रहा इरेजर का ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको इरेजर पर सेलेक्ट करने के बाद तीन ऑप्शन दिखाई देगा, साइज, ओपिसिटी, हैंड हार्डनेस। तो हार्डनेस को रख लेना है आपको 80 पर एंड साइज को अपने अनुसार रख लेना है, ठीक है। ओपिसिटी को हमेशा 100 पर रखना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से रिमूव कर लेना है। अब इसके बाद इसे राइट कर लेते हैं। हाँ, राइट करने के बाद यहाँ से आपको फिर से उसी टूल्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर से आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है। फिर से आपको जैसे मैं फर्स्ट नंबर पर सैचुरेशन वगैरह को बढ़ाया था, वैसे आपको फिर से सैचुरेशन पर क्लिक करके इसका कलर, बैकग्राउंड कलर को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इसको रख लेना हम लोग को 100। एंड थोड़ा सा क्लैरिटी को बढ़ा लेते हैं 2 पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर से इफेक्ट आ गया, तो फिर से इरेज पर क्लिक करेंगे। इसे रख लेते हैं फिर से 80। अब इसके बाद इसे राइट कर लेना है, ठीक है। राइट करने के बाद एक बार और राइट कर देना। अब इस फोटो को सेव करके एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करना है। तो सेव कैसे करें, तो यहाँ से आपको एरो का ऑप्शन मिल जाएगा सेव करने के लिए। इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको गैलरी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको फोटो सेव भी हो गए, अब इसे डन कर लेते हैं, ठीक है। अब गैलरी में जाके, गैलरी कहाँ है, ये तो फिर ये रहा फोटो। अब इस फोटो को एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये रहा एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन। अब एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देख लीजिए, एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन भी हो गया है। तो यहाँ से आपको एक प्रीसेट ऐड करना है, तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको एक प्रीसेट को ऐड कर लेना है, ठीक है। अब प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। या फिर आशीष एडिट वेबसाइट में जाइए, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी प्रीसेट, ठीक है, और बैकग्राउंड भी मिल जाएगी उस वेबसाइट में, काफ़ी अच्छी अच्छी। तो यहाँ से हम प्रीसेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ से आपको एक ट्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, ये रहा ट्री डॉट का ऑप्शन। इस ट्री डॉट में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा। एंड सभी में टिक कर देते हैं एंड राइट कर देते हैं, ठीक है। अब राइट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये जो फोटो को फिर से सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ से आपको फिर से ट्री डॉट पर क्लिक करना है। फिर आपको पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देख लीजिए, अब फोटो काफ़ी बेटर लुक आ गई है एंड फोटो पूरे कम्प्लीटली तरीके से रेडी भी हो गई है, ठीक है। अब फोटो को सेव करने के लिए यहाँ से आपको शेयर पर क्लिक कर लेना है एंड सेव टू डिवाइस कर लेना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।